नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आई नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। लखनऊ में किसानों की महापंचायत आज, बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे डॉक्टर कफील खान। संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखा पीएम मोदी को खुला खत। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से कम नए मामले। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की किसान महापंचायत के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन अचानक विवादित 3 कृषि कानूनों की वापसी के जुबानी ऐलान तो कर दिया, लेकिन देश के किसान ने सरकारों से इतने धोखे खाए हैं कि उनके लिए इस मौखिक वादे पर विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने जब तक लिखित में कानून वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिलती, तब तक आंदोलन पर डटे रहने का ऐलान किया है। इसी के तहत आज 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकतर पदाधिकारियों ने इस पंचायत में भाग लिया। इस महापंचायत को किसानों के लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके प्रदेश के कई नेताओं ने किसानों को लखनऊ में आने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पंचायत में प्रदेश भर की इकाइयों से जुड़े संगठन बड़ी संख्या में किसानों को साथ लेकर लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ के कांशीराम इको पार्क में MSP अधिकार महापंचायत के नाम से यह आयोजन किया गया। योगी सरकार द्वारा बर्खास्त किए जाने पर डॉक्टर कफील खान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कफील खान ने कहा कि इंसाफ के लिए वह आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। डॉक्टर कफील खान पर योगी सरकार ने BRD मेडिकल कॉलेज में 2017 में हुई बच्चों की मौत का आरोप लगाया है। वे बीते 4 सालों से निलंबित हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कफील खान ने अपने पूरे केस को मीडिया के सामने पेश किया और इस बात पर भी जोर दिया कि उन्हें क्लीन चिट मिलने के बावजूद बर्खास्त किया गया है। 22 अगस्त 2017 को मुझे सस्पेंड किया जाता है और 23 अगस्त 2017 को एक FIR लिखी जाती है DGME डॉक्टर KK गुप्ता के द्वारा, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, यह कहते हुए कि इन्होंने मेडिकल निग्लिजेंस किया है, चिकित्सीय लापरवाही की है, करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है और जेल भेज दिया। 9 महीने तक कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। आपको शायद याद होगा जो मेरे प्रकरण से वाकिफ है कि 10 पन्नों का जब मैंने लेटर 18 अप्रैल 2017 को लिखा था और 25 अप्रैल 2018 को बेल देते वक्त ऑनरेबल यशवंत वर्मा जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियरली कहा कि डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया है, डॉक्टर कफील ने कोई करप्शन नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस प्रोड्यूस बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और डॉक्टर कफील का ऑक्सीजन के टेंडर से लेना देना कुछ नहीं। मैं बाहर आता हूं, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोशिश करता हूं कि मेरी नौकरी बहाल कर दी जाए, नहीं होती है तो मैं हाईकोर्ट जाता हूं। हाईकोर्ट ऑन 7th of March 2019 को UP गवर्नमेंट को कहता है कि 90 डेज के अंदर इंक्वायरी खत्म करो और 18 अप्रैल को सबमिट होती है। 18 अप्रैल 2019 को हिमांशु कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इंक्वायरी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील सबसे जूनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील ने 54 घंटे में 500 सिलेंडर अरेंज किए, डॉक्टर कफील उस दिन छुट्टी पे रहने के बावजूद हर निर्दोष जान बचाने की कोशिश की, डॉक्टर कफील पे कोई करप्शन और मेडिकल निगलिजेंस के सबूत नहीं मिलते हैं। बता दें कि गोरखपुर के ऑक्सीजन कांड के बाद कफील खान को CA NRC के विरोध के दौरान उनके एक भाषण की वजह से भी UP पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महीनों जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उन्हें यह कहकर बरी कर दिया था कि इस भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को सिंघू मोर्चा के किसान आंदोलन कार्यालय में बैठक की। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के उनकी सरकार के फैसले की घोषणा के बाद यह बैठक पहली थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर यानी खुला खत लिखा है और उन्हें अपनी बाकी मांगों का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें सड़कों पर बैठने का शौक नहीं है और उनकी मांगें पूरी होने पर वह अपने घर चले जाएंगे। यह पूरा खत आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही SKM ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे आज 22 नवंबर को लखनऊ किसान महापंचायत
24 नवंबर को सर छोटू राम की जयंती पर किसान मजदूर संघर्ष दिवस, 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर मोर्चा पे चलो, और दिल्ली से दूर के राज्यों में सभी राज्य स्तरीय किसान मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, 29 नवंबर को संसद चलो आदि कार्यक्रमों में भाग ले। और आखिर में हम बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 22 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से कम यानी 8,400 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से बीते दिन करीब 250 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित लगभग 12,500 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में करीब 4,200 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,00,000 के करीब हो गई है, जिनमें से अब तक 4,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 3,38,00,000 से ज्यादा लाख मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,18,000 के करीब हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 116,87,00,000 से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 32,90,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।